हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुडियाल। कोरोना वायरस के कारण एक लंबे समय से क्रिकेट के मैदान सूने पड़े हैं। क्रिकेट फैंस के चेहरे मायूस हो गए हैं, लेकिन हम यहां आपको ऐसी खबर बताने वाले हैं जिससे क्रिकेट फैन के चेहरे एक बार फिर खिल उठेंगे। दरअसल सूने पड़े मैदानों पर जल्द ही रौनक लौटने वाली है। एक बार फिर इंडिया इंडिया का शोर सुनाई देने वाला है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीते दिन शेड्यूल का ऐलान किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 3 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम के मुताबिक इस बार टीम इंडिया पर्थ में कोई टेस्ट मैच नहीं खेलेगी, जहां उससे पिछले दौरे पर हार झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें कि 2018-19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर पहली बार हराया था। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने वो सीरीज 2-1 से जीती थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम के मुताबिक पहला टेस्ट 3 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगा। इसके अलावा दूसरा टेस्ट 11 दिसंबर से एडिलेड में होगा। तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में होगा। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। भारत को टेस्ट सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेलना है, जो कि विराट एंड कंपनी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर 1988 से नहीं हारा है। इसके बाद भारतीय टीम महज दूसरी बार डे नाइट टेस्ट खेलने उतरेगी, जो कि एडिलेड में होगा। भारत ने पिंक गेंद से महज एक टेस्ट मैच खेला है, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं ऑस्ट्रेलिया को 8 डे टेस्ट नाइट खेलने का अनुभव है और वो अब तक एक भी बार नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 7 डे नाइट टेस्ट जीते हैं और एक ड्रॉ रहा। ऐसे में सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच ही भारत के लिए कड़े इम्तिहान की तरह हैं। अगर इन दोनों मैच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं जाएगा तो उसके हाथ से सीरीज जीतने का मौका निकल सकता है। भारत ने साल 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस सीरीज में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों नहीं थे। ये दोनों खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में 1 साल का बैन काट रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार अपनी धरती पर भारत से टेस्ट सीरीज हार गई। हालांकि अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी टीम में लौट आए हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर नजर डालें तो फैंस को निराशा ही होगी, क्योंकि वहां टीम इंडिया बेहद मजबूत होने के बावजूद 0-2 से हार गई थी।